नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। जयपुर में हुए शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके स्कूल के समय के शिक्षक का सम्मान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं भरतपुर रहता था तो मेरे गुरु जी मिल जाते थे। कल मेरे मन में विचार आया कि मेरे गुरु जी कैसे हैं। मैंने पूछा कि आने की स्थिति में है क्या, उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा उन्हें लेकर आइए। राजस्थान में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन तक राजस्थान में मॉनसून सक्रिय रहने के साथ ही दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 10 सितंबर के बाद राजस्थान में मॉनसून की बारिश में कमी दर्ज होने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई। राजस्थान की राजनीति में इस समय भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन और सचिन पायलट के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। पिछले दिनों जहां राधा मोहन ने बयान दिया था कि उनकी जान को सचिन पायलट से खतरा है, तो वहीं सचिन पायलट ने अतिथि देवो भव कहते हुए राधा मोहन को जवाब दिया था। लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों में राधा मोहन को लेकर आक्रोश लगातार बना हुआ है, जिसके बाद सचिन पायलट ने राधा मोहन का जिक्र न करते हुए अपने समर्थकों से संयम बरतने की सलाह दी। उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में एनआईए की कमजोर रिपोर्ट का फायदा आरोपी जावेद को मिला है। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए जावेद को जमानत का लाभ दे दिया है। आपको बता दें कि 22 जून 2022 को उदयपुर में सिर तन से जुदा के नारे के साथ कन्हैया लाल दर्जी की निर्मम हत्या कर दी गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज शाहपुरा जिले के बीरधोल गांव में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा हमारे स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की वीरता की अनमोल धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करेगी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस में आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा एसओजी की गिरफ्त में है। जांच और पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी की जांच में सामने आया कि रामू राम रायका को पहले ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया था। उसने पेपर लीक के पास होने वाले अपने बेटे बेटी को आगाह कर दिया था। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि पुलिस या एसओजी पूछताछ करे तो उन्हें क्या और कैसे जवाब देना है। उत्तर प्रदेश के बरसाना निवासी छात्र परशुराम की आत्महत्या के बाद आज उसके परिजन कोटा पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पिता खचरमल ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। साल 2022 में वो कोटा में रहकर नीट की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहा था, लेकिन इस साल नीट रिजल्ट में हुई धांधली के बाद से बेटा तनाव में। ई रिक्शा स्टैंड के लिए जगह न देने और यातायात पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए ई रिक्शा चालकों ने आज हनुमानगढ़ जिला जंक्शन में प्रदर्शन किया। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने कहा कि प्रशासन और ऑटो स्टैंड बना रखा है, लेकिन रिक्शा के लिए कोई स्टैंड नहीं है। वे कहीं भी अपने रिक्शा को खड़ा करते हैं तो यातायात पुलिस चालान काटती है। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने कहा कि प्रशासन ई रिक्शा के लिए स्टैंड बनाए और यातायात पुलिस ई रिक्शा चालकों को परेशान करना बंद करें, अन्यथा ई रिक्शा चालक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रविंद्र जडेजा ने राजनीति में एंट्री ले ली है। रविंद्र जडेजा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। जडेजा की वाइफ रिबाबा जडेजा गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि रविंद्र जडेजा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए आगामी मंगलवार को फैसला सुनाने की बात कही। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।